दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास किसी के शादी की सीडी या फिर डीवीडी है या फिर किसी भी तरह की सीडी या फिर डीवीडी पड़ी हुई है तो उसे आप किस तरह से मर्ज करके उन सभी वीडियो फाइल्स को MP4 में कन्वर्ट करके आप अपने मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी क्वालिटी के लूज़ किए बिना। यहाँ पर जैसा कि आप देखें, मैं अपने कंप्यूटर के डीवीडी ड्राइव में जो सीडी मेरे पास है शादी के किसी की, वो मैं यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ हूँ। और जैसे ही ये प्ले होगी, उसके बाद जब मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पर मुझे अलग अलग फोल्डर्स बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एक फोल्डर्स की अगर डिटेल्स चेक करूँ तो यहाँ पर आप देखें अलग अलग तरह की फाइल्स है उन फोल्डर्स के अंदर। और यहाँ पर आप जो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो कुछ ना कुछ सबकी MB या KB में प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर साइज शो होगी। तो यहाँ पर जो MPEG AB करके फोल्डर है उसे हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। इसे क्लिक करके ओपन करते ही इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हमें देखने के लिए मिलेंगी .DAT फॉर्मेट में, उसे हम सभी को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर पहले से ही एक फोल्डर बनाया हुआ है DVD वर्क नाम से, और इसके अंदर Part 1 Part 2 नाम से मैंने फोल्डर बना करके रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, जो Part 1 वाला CD का पार्ट है उसमें जितनी भी फाइल्स हैं मैं उन्हें Part 1 में कॉपी कर लूँगा। और इन्हें कॉपी करने के बाद फिर जो Part 2 वाले DVD में CD में जो हमारे पास है उसका जो वीडियो फाइल्स होंगी उन सभी को हम Part 2 में कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप जैसा कि देखें, मैंने पहले कॉपी किया और अब मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये पेस्ट अभी हो रहा है। आपके फाइल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी बड़ी फाइल्स होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक बार जब ये पेस्ट हो जाएगा उसके बाद मैं जो पहली वाली CD मैंने इंसर्ट की थी उसे इजेक्ट कर दूंगा, और इजेक्ट करने के बाद जो दूसरी CD है मेरे पास या फिर जो भी आपके पास DVD है CD है उसे फिर इंसर्ट करेंगे। और उसे भी ओपन करके जब आप MPEG AB फोल्डर में जाएंगे तो आपको फिर अलग अलग तरह से फाइल्स वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो उन सभी को जो .DAT फाइल्स शो होंगी उन सभी को कॉपी करके आप फिर से एक दूसरे वाले पार्ट वाले फोल्डर में Part 2 में पेस्ट कर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखें, मैंने पहले वाली CD को एग्जिट कर लिया, दूसरी वाली जो CD है मैंने उसे इंसर्ट किया और वो प्ले हो गई यहाँ पर। फिर ओपन करके MPEG AB वाले फोल्डर में फिर से मैं चला जाऊँगा, और जाने के बाद फिर यहाँ पर जो कुछ भी फाइल मुझे दिखाई देगी, यहाँ पर एक ही फाइल शो हो रही है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसे मैं सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा। राइट क्लिक करके माउस की कॉपी करके फिर से मैं डेस्कटॉप पर उसी फोल्डर पर चला जाऊँगा, और उस फोल्डर में जो DVD वर्क वाला फोल्डर है उसके अंदर जो Part 2 है उसमें मैं इस फाइल को पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद फिर सिंपली हम अपने उस CD को भी इजेक्ट कर देंगे, और इजेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे Part 1 और Part 2 में मैंने इन दोनों को रखा हुआ है। तो यहाँ पर वंडरशेयर फिल्मोरा करके एक एप्लीकेशन है जो कि आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, इसे आप ओपन करेंगे। मैंने इसे पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मीडिया टाइप सेलेक्ट करना है। मीडिया टाइप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, तो इसे मिनिमाइज कर देंगे और इस फोल्डर को ओपन करके जो Part 1 है उसमें हम सभी फाइल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सभी फाइल्स को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर इस एप्लीकेशन के साथ में हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे, यहाँ पर आप देखें जो प्लस का साइन बना हुआ है यहाँ पर ला करके हम इसे ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करते ही यहाँ पर सभी फाइल्स ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद सिंपली हम यहाँ पर पार्ट का ध्यान रखेंगे, जो पहला पार्ट है वो पहले ऐड करना है, जो दूसरा पार्ट है उसे बाद में। और यहाँ पर जैसे ही आप ऐड करेंगे आपसे पूछेगा तो जो रिजोल्यूशन आपके वीडियो के साथ में मैच होगा वो वाला रिजोल्यूशन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे सिंपली जब ये सिलेक्ट कर लेंगे आप, तो सिलेक्ट करने के बाद एक चीज़ का आपको ध्यान रहे कि जो इसमें अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि जो मैं पहले वाली CD में मैंने कॉपी करके पेस्ट किया तो उसमें 3 फाइल्स थी, जिसमें कि एक Part 1 Part 2 Part 3, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं Q01 Q02 और Q03 से यहाँ पे शो हो रहा है अलग अलग नाम से। तो यहाँ पर जो 1 वाला पार्ट है वो सबसे पहले ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो मैंने बाय मिस्टेक ऐड किया उसे डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से 1 वाला जो पार्ट है फर्स्ट वाला उसे पहले ऐड करूँगा, फिर दूसरा वाला और फिर तीसरा वाला। अगर आप चाहें तो जो दूसरी CD या DVD है उसके पार्ट को भी यहाँ पर सभी को एक साथ में ऐड करके एक MP4 फाइल को बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 अलग CD के लिए अलग अलग फाइल्स बनाना चाहता हूं, तो यहां पर पहले CD में जितनी भी फाइल्स थी उनको मैंने एक सीक्वेंस में ऐड कर लिया। फिर नीचे से साउंड को सिलेक्ट करके जो वॉल्यूम है उसे थोड़ा 5 dB तक बढ़ा देंगे, ताकि जो साउंड की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो आपके जो आउटपुट फाइल है उस फाइल में। तो यहां पर मैंने सभी को 5 dB तक बढ़ा दिया।
5 dB तक बढ़ाने के बाद सिंपली आप ऊपर देखेंगे तो आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही फिर आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर लोकल वाले टैब को सिलेक्ट करके MP4 सिलेक्ट कर लेंगे। MP4 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे तो आपसे फाइल का नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं Part 1 टाइप कर लेता हूँ और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसकी लोकेशन सेट कर सकते हैं कि कहाँ पर इसे हमें सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप पर ही जो DVD वर्क वाला फोल्डर है उसके Part 1 में या फिर DVD वर्क वाले फोल्डर में मैं डायरेक्ट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ताकि ये वहीं पर सेव हो जाए। फिर यहाँ पर जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी और ये जो फाइल है एक MP4 फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर के हमें DVD वर्क वाले फोल्डर में देखने के लिए मिल जाएगी। इसी तरीके से दूसरे वाले DVD जो CD का पार्ट है उसे भी यहाँ पे ऐड करेंगे और ऐड करके इसी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद सिंपली आपको डेस्कटॉप पे इसी DVD वर्क वाले फोल्डर में ये दोनों फाइल MP4 फॉर्मेट के फाइल में मिल जाएगी, जिसे आप कॉपी करके अपने मोबाइल में किसी भी तरह से पेस्ट करके आप रन करा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।